पंजाब के दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल। दूसरा दिन है दौरे का। जालंधर में अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। अब ये आप हमें वोट दोगे तो एक तरह से हमारा रिश्ता बन रहा है आगे 5 साल के लिए, तो जितने भी मसले होंगे मसले सॉल्व करेंगे, और वो इस बात का वो होगा कि हमारी नीयत साफ है। दिल्ली के अंदर व्यापारी वर्ग को कहते थे व्यापारी तो सारे के सारे बीजेपी के हैं, मैं खुद बनिया हूं, लेकिन दिल्ली के बनिए कभी वोट नहीं देते थे मेरे को, अब देने लगे हैं, क्योंकि 5 साल में हमने लोगों का दिल जीता है, हमने लोगों को डराया नहीं है। अगर मैं लोगों को डराता, रेड मारता, पर्चे करता, ये सब करता, तो मेरी हिम्मत नहीं होती आज यहां कहने की कि फोन करके दिल्ली में पूछ लेना। वो सारे कहते बड़ा कमीना आदमी है ये, इसको वोट मत देना, डराता है, धमकाता है, रेड मारता है, गंदे काम करता है। आज मैं यहां खड़ा होकर इसलिए कह रहा हूं मैंने लोगों का दिल जीता है, आपका भी दिल जीतना है, हमें 5 साल देके देख लो हमें। तो बहुत सारे काम करने हैं जी, व्यापार में भी करने हैं आपका। 5 साल नहीं, हम तो परमानेंट के लिए चुनना चाहते हैं। वैसे ये ठीक बोल रहे हैं। आज भगवंत मान का फोन आया मेरे पास, वो पर्चा भरने गए, मैं धुरी में अपना आज नामांकन करने गए हैं, तो उसका फोन आया जी आशीर्वाद चाहिए आपका नामांकन के पहले। तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा भगवान करे आप इस बार सीएम बने, भगवान करे आप मरते दम तक सीएम ही रहें और आपको कोई ना हरा पाए, भगवान करे आप कट्टर ईमानदारी से काम करें और पंजाब के लोगों के दुख दूर करें। अगर पंजाब के लोगों के दुख दूर करेगा, अगर पंजाब के लोगों के मसले हल करेगा, अगर ईमानदारी से काम करेगा, तो कोई माइका लाल नहीं हरा सकता। आज दिल्ली में लोग कहते हैं जब इनको कोई नहीं हरा सकता, बाकी सारी पार्टियां खत्म हो गई हैं। अगर हम इसी ईमानदारी से काम करते रहेंगे तो काम होंगे। कुछ मुद्दे लोगों ने मुझे बताया शहरों को लेके हैं, जिसपे आज तक हमने कभी बात नहीं की। आप लोगों से जानना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर हम लोगों को का, एक तो साफ सफाई की बड़ी समस्या है कि नहीं है, गार्बेज डिस्पोजल, डेली क्लीनिंग, इनकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इसकी बड़ी समस्या है। तो सबसे पहली चीज मैंने लगभग 11 पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहला काम एक तो ये करना है कि अपने को साफ सफाई की व्यवस्था करनी है, जितने भी शहर हैं अपने को शहर साफ सुथरे चमकते हुए नजर आने चाहिए। आप में से मोस्टली लोग विदेश जा चुके होंगे, जब विदेश जाते हैं वहां पर कितनी साफ सफाई होती है, कितने सुंदर। ऐसे ही अपने को लुधियाना, अमृतसर, जालंधर साफ सुथरे करने हैं सारे। दूसरा, दिल्ली में हमने एक काम किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मान लो आपने सरकार से कोई लाइसेंस लेना है, सरकार से आपने राशन कार्ड बनवाना है, सरकार से आपने कोई भी काम कराना है, आप सरकारी दफ्तर जाते हो, फॉर्म भरते हो, लाइन में लगते हो, दफ्तर से छुट्टी लेते हो, फिर जब आपका नंबर आता है तो वो उसमें 2 ऑब्जेक्शन लगा देता है, फिर आप वापस जाते हो, फिर दोबारा आते हो ऑब्जेक्शन दूर करके, फिर लाइन में लगते हो, फिर वो 2 ऑब्जेक्शन, और बेसिकली उसने पैसे चाहिए उसके, तो आप दलाल को पकड़ते हो, कहते हैं यार ये पैसे ले और इसको काम करा। हमने दिल्ली में कर दिया कि अब आपको किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। हमने एक फोन नंबर दे दिया 1076, वो दिल्ली से ही चलता है, आप दिल्ली जाओ तो एक बार डायल करना उस नंबर को 1076। आपको सरकार से 150 डिपार्टमेंट्स के अंदर हमने लिस्ट बनाई है सर्विसेज की, कोई भी वो काम कराना है आप उस नंबर पे डायल करो, आगे से आवाज आएगी जी आपको दिल्ली सरकार से क्या काम कराना है, आप उसको बताओ मेरे को राशन कार्ड बनवाना है, तो वो आपको बताएगा राशन कार्ड बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए जी, ये आप तैयार कर लो। कब तक तैयार कर लोगे, हम कितने बजे आए आपसे आपके पास? आप बोलो जी मैं तो दफ्तर से लेट आता हूं, रात को 11 बजे आना, दिल्ली सरकार से एक ऑफिसर आपके घर पे रात को 11 बजे आपका राशन कार्ड बनवाने आएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए News24। चुनाव मतलब News24।